सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी कैसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक अनइवन बैटल लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, पल्सर ने P150 को लॉन्च किया है और हमारे पास है रेडर, TVS रेडर जो लॉन्च किया है TVS वालों ने। दोनों बाइक बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो है 125cc है और वो जो है 150cc है। हालांकि भाग तो बहुत तगड़ी रही है, अगर आप लोग ने मेरी रेसेस देखी हो। अब यहाँ पर हम 125cc के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि रेडर का जो इनिशियल है ना बहुत ही बढ़िया है, एंड जो हमारे साथ राइडर है ना उनका वेट कम है, इसलिए भी ये बैटल करने जा रहे हैं, क्योंकि यार वेट कम ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम चला के आपको दिखाएंगे P150 ज़्यादा वेट बैठाकर, और हमारे जो गौरव भाई है वो बैठेंगे जब रेडर में, तो आपको दिखाई देगा कि भाई कम वेट वाला भी बैठने के बाद इनिशियल कितना अच्छा ले जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेस को। बाकी डिटेल और प्राइसिंग सब आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रही है। मिलते हैं अब सीधे रेस में बिना किसी देरी के। तो पहले कौन से चलाओगे? वो चलाओगे? चलो ठीक है, वो चलाओ तुम। चलो हम रेडर चलाएंगे, देखते हैं भाई क्या होता है। पिकअप अच्छा था इसका, और यहाँ पे बहुत ही इजीली पल्सर P150 के साथ हम आगे हल्के वेट के लिए ठीक है रेडर। अभी जब वो चलाएगा तब देखिएगा आप कितना अंतर आएगा, बहुत ही इजली। और भैया चाह के भी मेरे अगल बगल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका वेट बहुत है मेरे से। अब मेरे वेट पे देखो, ये 104 भाग रही है, और उसके वेट पे देखते हैं कितनी भागती है। हम यहाँ रोकते हैं और थोड़ा सा भैया को एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं। 106 और वो देखो एकदम वैसे बैठा है नॉर्मली। अब मैं गया हूँ आगे एंड मेरी गाड़ी की जो स्पीड है 110 है, मेरे वेट पे ज़्यादा भाग ही नहीं पा रहा है। आ गए हैं बगल में, यह देखो रेडर लेके ऐसे सीधा बैठ के चलाते हैं यार, आराम से चलते हैं। देख सकते हो आपकी हल्की गाड़ी होने के बाद भी प्लस उसमें वेट भारी है, बट वो कितना अच्छा पुल कर रही है। 117 में हम रेडर को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिसएडवांटेज मेरे को मिल रहा है। ये देखिए फिर आगे निकल गया, ये बहुत इजीली। स्लिप स्ट्रीमिंग करने के बाद भी मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, नहीं हो सकता है, भाग ही नहीं सकती है। स्लिप स्ट्रीमिंग करने के बाद 118 जा रही है। हाँ भाई थोड़ा बगल बगल लगे हुए थे। 118 स्लिप स्ट्रीमिंग का, तुम्हारे वेट पे कितनी जाती है ये? मेरे वेट पे हाईएस्ट 125 गई है। बताओ अगर नॉर्मल अगर चलाना है तो 115 से 120 के बीच पर रहती है। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस हाई स्पीड की बात कर रहा हूँ। 125 मैंने कभी इसको 125 भगाया नहीं है, क्योंकि मेरे वेट पे जाएगी ही नहीं कभी। तो भाई पल्सर देख रहे हैं आप लोग कितनी तेज़ी से भागी और बहुत इजीली चल रही थी। अभी देखना क्या होगा ना, अभी जब मैं बैठूँगा ना उसमें तो कितना ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है आपकी रेडर को। चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। चलिए राइडर चेंज कर लिया है, रेडर दे दिए हमने गौरव को, और गौरव का जो वेट है वो है 55, मेरा जो वेट है 94। तो अब रिज़ल्ट देखते हैं। हैवी वेट बैठा दिया है, अब हैवी वेट के बाद पल्सर कितना परफॉर्मेंस कर पाती है। वो देखो कैसे निकल गई स्टार्ट यहाँ पे वीडियो। ला
लाइट वेट का एडवांटेज। और अभी तो रेडर लेके हम आगे हैं। अभी तक तो हम आगे चल रहे हैं, वो कभी भी आएंगे जरूर। अब निकला हूँ मैं 100 के बाद, 107 पे इन्होंने क्रॉस किया हमको, तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ ढलान है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है उसको, स्लिप स्विमिंग लगा लेते हैं। 125 भगाया है उसने अपने वेट पे, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। देख रहे हैं बगल में सटे हुए हैं स्लिप स्विमिंग से, अभी अगर स्लिप स्विमिंग लगाएगा तो वो मेरे पीछे ही रहेगा लगभग। हाँ, लेकिन आगे नहीं निकल पाएगा क्योंकि जैसे ही वो आगे आएगा उसको विंड ब्लास्ट पीछे कर देगा। यही होता है राइडर्स के वेट का डिफरेंस। जस्ट बगल में सटे हुए 119, गैप नहीं है, है ही नहीं। बहुत ज्यादा विंड है भाई, बहुत ज्यादा विंड, गाड़ी खिसक गई। ओ भाई साहब, बस विंड ड्रैग पड़ते ही हमें पीछे फेंक देगा क्योंकि इधर विंड ब्लास्ट है और इससे सटे हुए हैं एकदम पीछे ही है। आगे निकल नहीं पाएगा वो, क्योंकि जैसे वो आगे आएगा ना विंड उसको पीछे फेंक देगा, वो सिर्फ स्विमिंग की बदौलत पीछे रहेगा, आगे नहीं निकल पाएगा। से ज्यादा आगे नहीं जा रही, इतना ज्यादा विंड पड़ रहा था, तुम आगे नहीं निकल पाते, स्लिप स्विमिंग की मदद से पीछे रह लेते नहीं। जैसी तुम अगर मेरे को छोड़ते ना पीछे चले जाओगे, वो लगा रहेगा, और इधर से विंड ज्यादा है तो ये अपनी टॉप स्पीड भी अचीव नहीं कर पा रही है। हाँ ठीक है यार, बढ़िया है भाई, रिजल्ट यही है, जीतना इसी को था। हाँ, तुम्हारा बस ये है कि तुमको एडवांटेज वेट का मिलना है, तुम अगर किसी हैवी वेट राइडर के साथ रेस करोगे तो तुमको एडवांटेज मिलेगा, तुम मतलब एक कदम आगे रहोगे उससे हमेशा। यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट है, P150 बढ़िया गाड़ी है। प्राइस बताओ यार इसकी कितने की है? अभी बनारस में ये वाले मॉडल की मिल रही है 114,000। 114,000 और ये 146। तो भाई देख लो, अगर हल्के वेट के हैं ना राइडर तो आप ये ले सकते हैं, अगर हैवी वेट के हैं तो आप इसके साथ जाइए, पावर बढ़िया है, अच्छा पुल कर रही है। एंड बाकी तो आपने रिव्यू में देख ही लिया है, इसके जो रिव्यू मैंने किया है डिटेल वाला। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करिएगा, चलते हैं, बाय बाय।